प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका एम सॉल्यूशन चैनल पर। आज यह वीडियो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए है, जो अवकलन चैप्टर से प्रश्नावली 5.5 से लिया गया है। और आज इस वीडियो में हम आपको कुछ स्पेशल सवाल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि दिया हुआ है यक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर यक्स इक्वल टू वन, इसका अवकलन कैसे करेंगे। और यदि यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएगा तो अधिक से अधिक आपको 8 अंक मिलेंगे। यानी इस बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों के जो अंक हैं वो सीधे डबल हो गए हैं। पहले मैक्सिमम मार्क 3 था, लेकिन इस वर्ष मैक्सिमम मार्क प्रश्नों का 8 हो चुका है। और इस टाइप के जो प्रश्न आएंगे तो कम से कम 8 नंबर के जरूर आएंगे। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ताकि यदि इस टाइप का कोई भी प्रश्न या यही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ गया तो आप अधिक से अधिक मार्क पा सकें। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए सोच लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। यह 2 पार्ट में दिया हुआ है, तो यदि हम इसको यू मान लें, पहले वाले पार्ट को, दूसरे पार्ट को वी मान लें, तो बराबर 1 होगा। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। इसे समीकरण 1 बना के छोड़ देते हैं। और अब हल करते हैं। यू को मैंने माना एक्स की घात वाई, चूँकि यू इक्वल टू एक्स की घात वाई। अब दोनों पक्षों का लाग लेंगे तो लाग यू इक्वल टू लाग एक्स की घात तो वाई, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे हम लघुगणक का रूल लगाएंगे, लाग यू इक्वल टू वाई लाग एक्स। अब दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो दोनों पक्षों का जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा लाग यू का 1/u, फिर डी यू बाई डी एक्स। और ये प्रथम फलन है और ये द्वितीय फलन, तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन लाग एक्स का अवकलन 1/x प्लस द्वितीय फलन लिखेंगे लाग एक्स इंटू प्रथम फलन का अवकलन यानी वाई का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे और देखते हैं। तो यहाँ पर हम यू को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। यू चला गया राइट साइड में, बाकी ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स प्लस लाग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर कोई वैल्यू हम अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं, या तो इसे बाद में रखेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स हम यहीं पर छोड़ देते हैं और यू की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू का मान, यू का मान हो जाएगा एक्स की घात वाई ब्रैकेट के अंदर वाई अपान एक्स प्लस लाग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है? अब वी इक्वल टू वाई पे पावर एक्स को सॉल्व करना है। देख लीजिए, वी इक्वल टू वाई पावर एक्स दिया है, दोनों पक्षों का लाग लीजिए तो लाग वी इक्वल टू लाग वाई की घात एक्स। तो ये हो जाएगा लाग वी इक्वल टू एक्स लाग वाई। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो 1/v और डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन लाग वाई का अवकलन 1/y और डी वाई बाई डी एक्स प्लस द्वितीय फलन लाग वाई इंटू प्रथम फलन का अवकलन यानी एक्स का अवकलन 1 होगा। तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी को राइट साइड में ले आएंगे, इसे हो जाएगा एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लाग वाई। यहाँ तक हम पहुँचे। अब आगे देखते हैं। वी का मान हम रख देंगे, वी का मान यहाँ पर है डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की पावर एक्स एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस
लॉग वाई। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये हो गया डीवी बाई डीएक्स का मान। अब ये दोनों मान हम समीकरण एक में रखेंगे, लिख देंगे संबंध है। फर्स्ट में मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या था, वो था डीयू बाई डीएक्स प्लस डीवी बाई डीएक्स इक्वल टू 0। डीयू बाई डीएक्स का मान मैंने पहले निकाला है, बाएं पेज पर है, बाएं पेज पर है, मैं लिख देता हूँ देख करके। एक्स की घात वाई वाई अपन एक्स प्लस लॉग एक्स डीवाई बाई डीएक्स प्लस डीवी बाई डीएक्स का मान यही ऊपर है, देख लीजिए, वाई की घात एक्स एक्स अपन वाई डीवाई बाई डीएक्स प्लस लॉग वाई बराबर 0। यहाँ तक तो हम पहुँचे, लेकिन अभी हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, हमें इसको आगे तक ले जाना है ताकि डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल सके। तो ये बाहर वाले का इसमें गुणा कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं, हाँ एक्स की घात वाई का जब इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा एक्स की घात वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स की घात वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ गुणा कर लेते हैं वाई की घात एक्स इंटू एक्स अपन वाई और डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई पे घात एक्स का यहाँ गुणा वाई पे घात एक्स लॉग वाई बराबर हो जाएगा 0। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया जाए, बचेगा क्या, एक्स की घात वाई लॉग एक्स प्लस ये वाई की घात को अगर ऊपर उठा लें तो वाई पे घात हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स, वाई पर एक घात है ऊपर ले जाकर इसमें एडजस्ट कर दीजिए तो हो जाएगा वाई पे घात एक्स माइनस वन इंटू एक्स, कोष्ठक बंद हो गया बराबर। ये चीज़ हम राइट साइड में ले जाएंगे तो एक्स को ऊपर उठा लें तो एक्स घात वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस में हो गया, और ये राइट साइड जाएगा तो ये भी माइनस में होगा वाई की घात एक्स लॉग वाई। अब ये चीज़ हम दाहिने पक्ष में कर देंगे, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ दोनों जगह से माइनस कॉमन लिया जाए तो ये हो जाएगा वाई एक्स की घात वाई माइनस वन माइनस वाई पे घात एक्स लॉग वाई। अब बटे में क्या चला जाएगा, बटे में ये जाएगा एक्स पहले लिख दो, या तो पहले इसको लिखते हैं एक्स की घात वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई पे घात एक्स माइनस वन। तो यहाँ तक तो हमें लगता है कि उत्तर है, यदि यहाँ भी आंसर नहीं आया तो हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे। आंसर यदि हम लोग मिला है तो आंसर में दिया है वाई एक्स पे घात वाई माइनस वन प्लस वाई पे घात एक्स लाग वाई बटे एक्स पे घात वाई लाग एक्स प्लस एक्स वाई पे घात एक्स माइनस वन, एकदम बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, बुक में दिया हुआ आंसर बिल्कुल इस आंसर से मैच कर रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और आगे भी आप इस तरह के सवाल का अभ्यास करते रहेंगे, चाहे YouTube वीडियो के माध्यम से, चाहे अपनी किताब के माध्यम से, चाहे किताब में दिए गए उदाहरण के माध्यम से। इस तरीके के बड़े बड़े प्रश्नों को तैयार करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।